नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश में सर्वाधिक मतदान के लिए उपायुक्त महोदय सिरसा ने मतदाताओं को बधाई दी है। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा की 5 विधानसभाओं के वोटों की गिनती सिरसा में, जबकि फतेहाबाद की 3 व नरवाना विधानसभा की सभी की गिनती फतेहाबाद में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभजोत सिंह ने पूरी में जानकारी दी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 5 विधानसभाओं के स्ट्रॉन्ग रूम की गई है पूरी व्यवस्था। वहीं जिले की 5 विधानसभाओं की ईवीएम के लिए बनाए गए हैं स्ट्रॉन्ग रूम। अब बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि ईवीएम मशीनों के अंदर क्या बाद में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, आखिर इनको कहां रखा जाता है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत इन ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी हैं और इनको इसके बाद रखा जाता है एक 3-टायर सिक्योरिटी सिस्टम में। एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी होती है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहते हैं। एक ऐसा 3-टायर सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसमें वही चुनिंदा अधिकारी जा सकते हैं जिन्हें ड्यूटी पर खास तौर पर नियुक्त किया जाता है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। कल रात को स्ट्रॉन्ग रूम सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में, माननीय ऑब्जर्वर साहब की प्रेजेंस में हमने सील किए हैं। फतेहाबाद में भी माननीय ऑब्जर्वर साहब यहाँ से गए हैं स्पेशली और सील किए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा 3-टीयर सुरक्षा, जैसा कि ईसीए की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। सबसे पहला टीयर है जो आउटसाइड की फोर्स आई हुई है। तो अभी हमारे पास झारखंड आर्म्ड पुलिस अवेलेबल है, जो कि बताया जा रहा है कि सीएएसएफ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो आज शाम तक आ जाएगी, वो झारखंड आर्म्ड पुलिस उनको हैंडओवर दे की जाएगी। तो जो फर्स्ट कॉर्डन है आप देख सकते हैं झारखंड आर्म्ड पुलिस के मुलाजिम लगे हुए हैं, और सेकंड कॉर्डन है स्टेट आर्म्ड पुलिस का, और थर्ड जो कॉर्डन है वो है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। तो 3-टीयर सुरक्षा लगाई गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के भी साइन लिए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग रात को मौजूद भी रहे हैं, और आज जब स्क्रूटनी हो रही है तब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया गया है। और एक पीसफुल मतदान सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फतेहाबाद में, नरवाना में एक पीसफुल मतदान हुआ है। गिनती 500 विधानसभा की जिला की यहाँ हो गई, और किस तरह से गिनती होगी पूरे लोकसभा? काउंटिंग के लिए पर्याप्त तैयारियाँ की गई हैं। 5 जो विधानसभाएँ सिरसा जिले की हैं उनकी काउंटिंग सिरसा में की जाएगी। 3 जो विधानसभा फतेहाबाद की है उनकी काउंटिंग फतेहाबाद में होगी। 1 जो नरवाना जो जींद डिस्ट्रिक्ट की पार्ट है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पीसी सिरसा में है, उसकी काउंटिंग भी फतेहाबाद में होगी। उसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर दी गई हैं। हमारा सिरसा ज़िले ने जो पूरे मतदान में टॉप किया है, उसके लिए हमारी स्वीप की टीम ने जिसने अच्छी कार्रवाई करी है, मैडम एडीसी की अध्यक्षता में उनको बधाई देता हूँ। सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भी पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हरियाणा में टॉप किया है मतदान में। हमारा मतदान 75% के ऊपर गया है, तो उसके लिए भी मैं सारी टीम को बधाई देता हूँ। मैं पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के और सिरसा ज़िले के वोटर्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतनी गर्मी को झेलते हुए लाइन में खड़े होकर बड़े पीसफुल तरीके से वोट किया। सभी जिलावासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।